नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे लिंक करना है पैन कार्ड को आधार कार्ड से। इस वीडियो में आपको बताएंगे 31 मार्च तक आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है इनएक्टिव कर दिया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये अपडेट पिछले साल भी आया था, 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया है और ये अपडेट 2023 में भी आया है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लेकर। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर कहते हैं कि पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा, तो हम 31 मार्च के बाद एक और वीडियो बनाएंगे, हम देखेंगे कि सच में पैन कार्ड जो है बंद हो जाता है यानी कि इनएक्टिव हो जाता है या नहीं होता है। लेकिन अभी हम आपको ये बताते हैं कि पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करना है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। अगर आपको जो है देखना है कि आखिर 31 मार्च के बाद क्या होता है तो आप नहीं लिंक कर सकते, 31 मार्च के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपडेट बताया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि 31 मार्च तक करना है, 31 मार्च के बाद भी होगा। लेकिन लोगों का कहना है कि 31 मार्च के बाद नहीं होगा, पैन कार्ड बंद होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अपडेट पहली बार नहीं आया है जो कि आपको परेशानी होना है। ये कई बार अपडेट आ चुका है और अभी भी आया है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये अपडेट जो है 31 मार्च तक ही होगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आ सकता है या अगले साल आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे पैन से आधार लिंक करना है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में आपको सर्च करना है इनकम टैक्स, आपके सामने इनकम टैक्स का वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आधार लिंक के लिए यहाँ पे भी बताया गया मैनुअल, आप देख सकते हैं, तो ये मैनुअल में आप देख सकते हैं आधार लिंक करने का तरीका। तो अभी हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये दोनों है, इनकम टैक्स का ही वेबसाइट है, आप किसी पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज खुला है और यहाँ पे जो है बताया गया है आधार लिंक और पैन कार्ड के लिए, ठीक है। तो पैन कार्ड के आधार लिंक करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा पैन कार्ड आधार से लिंक तो पहले से तो नहीं है, तो अगर पहले से लिंक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिंक होगा तो आपको लिंक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन से हम पहले चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम अभी चेक करेंगे, उसके बाद लिंक करने का तरीका आपको बताएँगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेज खुल चुका है। अब यहाँ पे जो सिंपली आपको दो ही ऑप्शन है आया है, आप देख सकते हैं पैन आधार इंटर करने का, ये फिर से लोडिंग हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो लोडिंग ले चुका है। अब यहाँ पे जो है पैन इंटर करना है, आधार इंटर करना है और आपको स्टेटस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर DFMR और यहाँ पर है आधार, ये उसके बाद वैलिडेट एंड वी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो चेक हो जाएगा, तो देखते यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे जो है चेक कर लेते हैं, तो ये सर्विस अनअवेलेबल है, सर्वर एरर बता रहा है, तो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंटेन बता रहा है कि ये अभी जो है मेंटेन है सर्विस के लिए, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 मिनट के बाद किया, तो यहाँ पे जो है चेक हो चुका है, आप देख सकते हैं पैन नंबर ऑलरेडी लिंकेड टू आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आधार पैन लिंक है, अब जिसका लिंक नहीं उसको लिंक करने के लिए मैनुअल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम बैक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ये देख सकते हैं मैनुअल बताया गया है, ये है मैनुअल, इसको हम ओपन करते हैं और ये मैनुअल आप देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो हम स्टेप भी आपको बताएंगे कैसे होगा, आपको यहाँ पे 4 से 5 दिन लग जाता है वर्किंग डे जब आप पैन आधार को लिंक करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम ये सब कुछ बताएँगे, आपको यहाँ पर तरीका एक बार समझ लीजिए। लिंक पैन लिंक आधार पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको जो है अपना पैन और आधार नंबर इंटर करना है। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे टर्म कंडीशन ई चालान पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैन वेरीफाई होगा, फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आ जाएगा ऑप्शन एडवांस टैक्स असेसमेंट टैक्स, और यहाँ पर जो आपको एक नंबर वाले पर क्लिक करना प्रोसीड पे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर रिसिप्ट 500 रुपया, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है 2023-24 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी पे आपको करना होगा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। अगर आपका जो है यहाँ पे जो है चलान अगर 1000 का होगा तो यहाँ पे 1000 दिखाई देगा, अगर आपका 500 है तो 500 ही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका कितना का रिसिप्ट बन रहा है, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पर 500 ही दिखाएगा आपको, इधर आपको 500 दिखाएगा, जब आप फाइनल यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जब चलान आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा,
उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप आपके हिसाब से करना होगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप पेमेंट कर लीजिएगा गूगल पे फ़ोन पे से, ठीक है। अब आपको जो है इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। अब लिंक करने के लिए आपको फिर से इनकम टैक्स वेबसाइट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, और यहाँ से मैंने अभी चेक किया था, मैंने आप लाइव यहाँ से चेक किया था। अब आपको लिंक करने के लिए ये वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है वैसे ही करना बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 4 से 5 दिन लग जाता है लिंक करने में, ठीक है। बस 3 स्टेप ही हैं, आप देख सकते हैं 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे पैन आधार और क्लिक करना है, उसके बाद वैलिडेट कर लेना है, पैन कार्ड फिर से टाइप करना है और साल सेलेक्ट करना है और पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पैन आधार लिंक कर सकते हैं दोस्तों, ये 31 मार्च तक बताया जा रहा है। हालाँकि 31 मार्च के बाद ही हम वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर बताएँगे कि क्या अपडेट है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया भी गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है 31 मार्च 2022 को फिर किया था पिछले साल 1 ईस्ट में 2017 में किया था, उसके बाद 22 में भी किया था, और यहाँ पे जो है अभी जो है 2023 में किया है अपडेट, ठीक है। तो ई चालान का पेमेंट आपको करना होगा।